ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष सोमवार चतुर्दशी तिथि दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा आज दिन में 12:15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र में चलते रहेंगे। तत्पश्चात भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। भरणी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, निरोगी, उत्तम विचार वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ और सुखी होते हैं। ये अत्यंत साहसी, प्रेरणादायक, बलवान और रसिक मिजाज के होते हैं। ये धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, फोटोग्राफी, चित्रकारिता, फिल्म इत्यादि में शौक रखने वाले और अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मेष राशि में ही चलते रहेंगे। आज के जन्मे जातक पिता के लिए भाग्यशाली माने जाते हैं। अमावस्या का असर आज भी कायम रहेगा। सूर्य, चंद्र और बुध की युति मेष राशि में बनी रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखी और संतोषप्रद मानसिकता के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रिश्तों का विकास होगा और स्वयं में ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी के कामों में रुचि बढ़ेगी और नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी। सरकारी विभाग से सहयोग और लाभ की उम्मीद बनती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। उन्नति के अवसर मिलते जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए दोपहर बाद नकारात्मक विचारों में कमी आएगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक निवेश संभावित है और कार्य क्षेत्र के विस्तार का मौका मिलेगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। खर्च और आवश्यक संसाधनों के मुद्दों पर सतर्कता रखनी चाहिए। हालांकि रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की उम्मीद बनती है। प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बढ़ेगी और गज केसरी योग का लाभ मिलेगा। कुछ जरूरी मामलों में आर्थिक निवेश की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ कुछ आवश्यक और उपयोगी विषयों का सानिध्य मिलेगा और संबंधित मामलों में सकारात्मक प्रेरणा मिलती जाएगी। व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बुजुर्गों से लाभ और साझेदारी में सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा और परिश्रम का फल मिलता जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टि वाला महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के साथ उत्साह की स्थिति बनी रहेगी और सफलता हासिल करेंगे। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ पुरानी लाभदायी योजनाओं की पुनरावृत्ति संभावित है। अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, मगर संतान संबंधी चिंता कुछ विषयों को लेकर हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामलों के प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों की प्रोन्नति संभावित है। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और आपका ऊर्जा स्तर बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। सारी सुख सुविधाएं और इच्छानुसार कार्य होने के बावजूद भी मन में और संतुष्टि का एहसास बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति और कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभावित है, मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें।
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है, कुछ मामलों में विवाद व मानसिक भ्रम संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। अमावस्या का असर आज भी बरकरार रहेगा, जिससे काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी की संभावना बनती है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आज चल रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में टालू प्रवृत्ति बनी रहेगी। आलस की मात्रा या विरोध की संभावना भी बनती है। हालांकि सूर्य के उच्च के होने से आपकी सक्रियता और रचनात्मक प्रयास में ज़्यादा कमी नहीं आएगी और कार्य योजना यथावत चलती रहेंगी। मगर नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी और सरकारी कामकाज में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा, प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ का संकेत मिलता है और संबंधित कामों में आपकी व्यवस्था सफल रहेगी और भाग्यवश कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है, साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। मन की नकारात्मकता और उत्साहहीनता को दूर रखें, आपके हर काम संपन्न होंगे। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी, संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है। मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।